दोस्तों, अगर आपको याद होगा, एसुस ने एक ऐसा लैपटॉप लॉन्च किया था जिस पर डुअल स्क्रीन था, जो कीबोर्ड का एरिया है उसके ऊपर ही एक स्क्रीन था। अब उसी टेक्नोलॉजी को एसुस ने और भी डेवलप किया हुआ है और जो बार है उसे रेज कर दिया है। इनफैक्ट बार ही नहीं बल्कि जो डियो स्क्रीन है उसे भी रेज कर दिया है। दोस्तों, ये है एसुस ROG Zephyrus Duo 15। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। मुझे एक स्पेशल टाइप का बॉक्स पैकिंग मिला है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ख़ास करके जो लैपटॉप है काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का है, इसलिए देखते रहिए। इस बार ये बहुत ही बड़ा बॉक्स पैक मुझे मिला हुआ है। चलिए, मैं आपको ये जो बॉक्स है इसे खोल के बताता हूँ। तो ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है और इस प्रकार से पैकिंग की गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लैपटॉप बैकपैक दिया हुआ है। आमतौर पे आपको बैकपैक्स नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखिए, इस प्रकार का है ये बैकपैक। ये है शोल्डर स्ट्रैप। इस बॉक्स में रिपब्लिक ऑफ गेमर्स ROG डेल्टा RGB क्वाड डैक गेमिंग हेडसेट भी दिया हुआ है। वैसे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। बॉक्स में पावर कॉर्ड है, ये वायर्ड माउस दिया हुआ है और ये डिटैचेबल केबल के साथ में आता है। ये डिटैचेबल एक्सटर्नल वेब कैमरा भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये देखिए, इस प्रकार का है। मतलब ये कि जो लैपटॉप है इस पर डेडिकेटेड वेब कैमरा नहीं दिया हुआ है। पावर अडाप्टर और जो आखिरी चीज रह गई है बॉक्स के अंदर वो है ये एक और बॉक्स जिसके अंदर जो मेन लैपटॉप है वो दिया हुआ है। तो चलिए, मैं आपको ये जो बॉक्स है इसकी अनबॉक्सिंग करके भी बताता हूँ। अभी जो बॉक्स पैकिंग है ये भी यूनिक प्रकार की है। तो ये लीजिए, मैं इसे खोलता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से ये खुलता है और ये इस प्रकार से खुलता है। ये जो लैपटॉप है, देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बाहर आ जाता है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लैपटॉप है बाहर आता है। तो बॉक्स में लैपटॉप के अलावा ये बॉक्स है, इसे मैं खोलता हूँ। इसमें यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, जो लैपटॉप है काफ़ी यूनिक प्रकार का है और ख़ास करके जो डुअल स्क्रीन सिस्टम दिया हुआ है और ख़ास करके जो स्क्रीन है थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, ये काफ़ी इंप्रेसिव किस्म का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि इसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है कि जब जो डियो स्क्रीन है जब वो ऊपर आता है तो जो मेन स्क्रीन है और जो डियो स्क्रीन है दोनों में काफ़ी अंतर है, मतलब कि डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि जो डियो स्क्रीन है वो मेन स्क्रीन को ब्लॉक करता है। और एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि जो डियो स्क्रीन है उसमें गैप दिया हुआ है, पीछे की तरफ गैप है क्योंकि जो स्क्रीन है वो ऊपर की तरफ आता है। लेकिन वो जो सिस्टम है उसे इस प्रकार से बनाया हुआ है कि वो ज़्यादा वेट उठा सकता है, मतलब कि टफ किस्म का है, इतना नाजुक नहीं है। और मान लीजिए वो जो एरिया है उसमें कुछ वायर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका ईयरफोन का वायर होगा या फिर कोई भी अन्य वायर होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये जो सिस्टम है ये बंद नहीं होने वाला है, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा और डैमेज होने का चांसेस भी नहीं है अनलेस आप अननेसेसरी फोर्स लगा रहे हैं। वैसे जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही आसानी से बंद हो जाता है और आसानी से खुल भी जाता है। लैपटॉप का वजन है 2.4 kg और ये 20.9 mm स्लिम है। अब इसके जो बिल्ड और फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया किस्म की है, मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है और ऊपर से ये इस प्रकार का दिखता है, नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है। इसमें इंटेलिजेंट कूलिंग और लिक्विड मेटल का उपयोग किया गया है जो कि जो कोर टेम्परेचर्स है उन्हें ठंडा रखता है। गेमिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। वैसे ये दो ऑप्शन में अवेलेबल है, इंटेल कोर i9 या फिर आप इंटेल कोर i7 के लिए जा सकते हैं, 10th जनरेशन। दोनों ही 10th जनरेशन के हैं और इसमें एनविडिया GeForce RTX 2080 सुपरमैक्स क्यू 8 GB GDDR6 VRAM का उपयोग किया गया है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एनविडिया GeForce RTX 2070 सुपरमैक्स क्यू के लिए जा सकते हैं। अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है और अकॉर्डिंगली जो प्राइसिंग है वो भी चेंज होने वाला है। बैकलेट चिकलेट कीबोर्ड का उपयोग किया गया है, पर की RGB है और ऑरा सिंक का उपयोग हो रहा है। देख सकते हैं कि लाइटिंग इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। 1.4 mm ट्रैवल डिस्टेंस है और टाइपिंग के लिए भी ये जो कीबोर्ड है काफ़ी बढ़िया है। कीबोर्ड का जो एरिया है कम है लेकिन काफ़ी है। और ख़ास करके अगर आप देखें तो जो टच पैड है उसे यहाँ पर राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है और टच पैड पर ही न्यूमरिक पैड भी दिया हुआ है। तो आपको ये जो बटन है इसे प्रेस करके होल्ड करना है, इस प्रकार से जो न्यूमरिक पैड है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जो पूरा का पूरा सिस्टम है एक तरह से फ्यूचरिस्टिक लुक देता है।
इसमें 2 4 वॉट्स के स्पीकर्स है, स्मार्ट एम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, अरे माइक्रोफोन्स का भी इसमें उपयोग किया गया है। ये वाईफाई 6 सपोर्ट करता है और इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ में आता है तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 2 M.2 SSD स्लॉट्स है और 512 GB NVMe PCIe SSD के साथ में आता है। RAID 0 भी सपोर्ट करता है। ये जो ROG का डियो स्क्रीन है, जिसे एक्चुअली स्क्रीन पैड प्लस कहा गया है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है, 13 डिग्रीज का एंगल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें तो ये कीबोर्ड के लाइन में है, तो जब स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, 13 डिग्रीज ऊपर की तरफ, तो जो स्क्रीन विजिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया रहती है। अभी जो स्क्रीन पैड प्लस है ये काफ़ी काम में आता है, एक तरह से इसे आप सेकेंडरी स्क्रीन की तरह उपयोग कर सकते हैं, और खास करके जब आप कोई एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, अगर आप एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं तो जो वर्कशीट है वो मेन स्क्रीन पर होगा और जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जैसे कि कॉपी पेस्ट और अन्य जो भी फीचर्स है एक्सेल में, वो आप सेकेंडरी स्क्रीन पर डाल सकते हैं। तो जब कभी आपको उन फीचर्स का या फंक्शंस का उपयोग करना है तो तुरंत ही आप जो सेकेंडरी स्क्रीन पर जो भी डिस्प्ले आपको दिख रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सिचुएशंस में ये जो फीचर है काफ़ी काम में आता है। अब जो लैपटॉप है बहुत ही पावरफुल है, आप गेमिंग यूज़ के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी के लिए भी तो बहुत ही बढ़िया है, खास करके वीडियो एडिटिंग या फिर इमेज एडिटिंग के लिए। अब जब कभी आप वीडियो एडिटिंग करेंगे तो जो सेकेंडरी स्क्रीन है उसमें आप जो भी टूल्स है उसे डाल सकते हैं, तो काफ़ी काम में आता है, एक तरह से कह सकते हैं कि डुअल स्क्रीन का ही आप उपयोग कर रहे हैं। वैसे जो लैपटॉप का स्क्रीन है ये 15.6 इंचेस का है, 4K रेजोल्यूशन के साथ में आता है, पेंटोन वैलिडेटेड है। पोर्ट्स की अगर बात करें तो इसमें 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है, 1 USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है, 1 HDMI पोर्ट है, माइक्रोफोन इन जैक दिया हुआ है और 1 माइक्रोफोन इन हेडफोन आउट जैक दिया हुआ है, RJ45 पोर्ट है, 1 USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट है विथ डिस्प्ले पोर्ट 1.4 और थंडरबोल्ट 3 और पावर डिलीवरी 3.0। तो इंडिया में जो ASUS ROG Zephyrus DO15 लॉन्च हुआ है, ये 300Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ में आता है और इसमें RTX 2080 सुपरमैक्स क्यू GPU का उपयोग किया गया है। इसका इंडिया प्राइस है 3,49,990 रुपीज़। और दोस्तों, बॉक्स में आपको बैग मिलने वाला है, माउस मिलने वाला है, हेडसेट है, ROG आई क्लिप कैमरा भी दिया हुआ है, मतलब ये कि जो बॉक्स मुझे मिला हुआ है वही सेम प्रकार की बॉक्स पैकिंग आपको इंडिया में मिलेगी अगर आप ये लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो। तो दोस्तों, ये लैपटॉप आपको कैसा लगा और खास करके जो स्क्रीन पैड प्लस है वो आपको कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।